हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चांद पर इसरो ने इतिहास बनाकर दिखाया। अब इसरो की टीम सौरे मिशन के लिए जुट गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग भी हो जाएगी। पूरे देश को अब इस पल का इंतजार है। चांद के बाद अब सूर्य की बारी। मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने के बाद अब सूर्य पर नजर है। इसके लिए कल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की पूरी तैयारी है। उस पल का इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की PSLV-XL रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग होगी। इसे पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में जानकारी देगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले स्पेस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी है। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है और लॉन्चिंग के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया गया है। का टेम्परेचर 5,700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10,00,000 डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इस हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड हैं, जो VLC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया में करीब 4 महीने लग जाएंगे। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15,00,000 किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर मिशन के बारे में जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। साथ ही कई सवाल ये भी हैं कि आखिर किसी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के नजदीक कैसे स्थापित किया जा सकता है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। 23 अगस्त की शाम लैंडर विक्रम बड़े ही शान से चांद पर उतरा था। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जहां अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंच सका है। चांद जीतने के बाद अब सूर्य मिशन की बारी है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रिहर्सल पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सूर्य की सौर ऊर्जा और तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो साइंटिस्ट इस मिशन के लिए भी बेहद उत्साहित हैं। सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है। धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम करने वाले सैटेलाइट्स काम करना ही बंद कर देंगे। सूर्य की इसी सौर ऊर्जा और उसके तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचकर इसकी जानकारी जुटाएगा।
काफी सेफ पॉइंट है लैग्रेंजियन वन, क्योंकि ये दोनों का, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पे प्रोसेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा यान जो है, हमारा क्राफ्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, वो काफी सेफ रहेगी, क्योंकि सूरज का तापमान जो है वो वेरी करता है, उसका इंटरनल कोर का तापमान अलग है और बाहर का स्फेयर का तापमान जो है वो अलग है, परंतु इस लैग्रेंजियन वन पॉइंट पर इस तापमान का असर नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्राफ्ट जो यान जो है हमारा, वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने निश्चित समय तक ऑब्जर्वेशन कर आंकड़े इसरो तक पहुँचा सकते। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज वन पॉइंट तक पहुँचना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। आदित्य L1 को जिस लैग्रेंज वन पॉइंट पर भेजा जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष यान कम ईंधन में सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये जरूरी है कि आदित्य L1 को उस पॉइंट पर भेजा जाए जहां मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा हो और जटिलताएं कम। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी सूर्य का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर वाली सतह, और कोरोना जो सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु के बारे में जानकारी जुटाएगा। जो आदित्य L1 मिशन है वो एक, उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहां पे हम प्लेस करेंगे। हाँ। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लिप्टेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रीमोस्फीयर, कोरोना, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से निकलने वाली आग के निकलने के पहले और बाद की गतिविधि, अंतरिक्ष मौसम जैसी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और दूसरी गतिविधियों पर शोध करेंगे। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का मिशन सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भेज चुकी है।